कोरोना वायरस की बढ़ती घटनाओं के बीच सरकार ने 1 मई से 18 साल से लेकर 45 साल तक के सभी नागरिकों को टीका लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। हालांकि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगाने के बारे में मुंबई करों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मुंबई में कोरोना वैक्सीन की कमी है, कैसे लगेगा लोगों को टीका। केंद्र को वैक्सीन आपूर्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, राजेश टोपे। टीकाकरण के लिए भीड़ की संभावना, राज्य सरकार को रणनीति तय करनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 875 नए बेड्स उपलब्ध कराए गए, एनजीओ की मदद। निजी केंद्रों को टीकाकरण के लिए बीएमसी में करना होगा आवेदन। एक दिन में 5 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाकर महाराष्ट्र ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में कोरोना तांडव के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने सौ के अंतिम संस्कार पर उद्धव सरकार और पीएमसी से मांगा जवाब। मुफ्त टीकाकरण के लिए 7,500 करोड़ रुपए की जरूरत, कैबिनेट में होगा मुफ्त वैक्सीन का निर्णय। 1 मई से टीकाकरण की आशंकाओं को दूर करे सरकार, केशव उपाध्याय ने की मांग। संकट के समय में गैर सरकारी संगठनों को आगे आना चाहिए, पुणे। नासिक प्लाज्मा डोनेशन ने शुरू किया अभियान, 250 से अधिक जरूरतमंद रोगियों को दिया गया मुफ्त प्लाज्मा। महाराष्ट्र के बीड में सामने आया दिल दहला देने वाला मामला, एक एम्बुलेंस में 22 शवों को भरकर ले जाया गया शमशान। यात्रियों की कमी के चलते कई ट्रेनें हुई रद्द, मुंबई। कोरोना तांडव के बीच महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के फैसले का दिखने लगा असर, कोविड-19 के मामलों में आई भारी गिरावट।